नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल होम रेमेडीज़ ऑफ लाइफ केयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी टीवी देखते हुए बहाते हैं आंसू? तो जानिए इमोशनल क्राइंग के फायदे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रोना और हंसना दोनों ही कुदरती भावनाएं हैं। इन भावनात्मक तरीकों से हम अपनी खुशी और दुख व्यक्त करते हैं। यह बात सही है कि जब कोई रोता है तो उसे दुखी समझा जाता है, लेकिन आंखों से आंसुओं का निकलना सेहत के लिए बुरा बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो टीवी शो या फिर मूवी में इमोशनल सीन देखकर भावना में बह जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर कोई ऐसा करता है तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि यह अच्छी आदत है। नंबर एक, क्या कहती है रिसर्च? शोध के अनुसार कुछ लोग अपने फेवरेट टीवी कैरेक्टर की भावनाओं के साथ पूरी तरह बंध जाते हैं। हमारा दिमाग वास्तविक और काल्पनिक चरित्रों में फर्क महसूस नहीं कर पाता। यही कारण है उनकी हंसी में खुश और दुख में रोने लगते हैं। ऐसा करना बुरी बात नहीं है, बल्कि यह हमें भावनात्मक महसूस करवाते हैं। नंबर दो, बढ़ता है मनोबल। अध्ययन से पता चला है कि टीवी या फिल्म के पात्रों के साथ एक तरफा रिलेशनशिप रखने से मनोबल और आत्मविश्वास में सुधार होता है। जब लोग रियलिटी शो देखते हैं तो अपने पसंदीदा प्रतियोगी की भावनाओं से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। उनकी हार और जीत उनके लिए बहुत महत्व रखती है। इस तरह की स्थिति मेटा इमोशंस का हिस्सा होती है। नंबर तीन, इमोशनल क्राइंग के फायदे। आंसू तीन प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, कंटिन्यूअस, इमोशनल। इनमें से इमोशनल क्राइंग बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर चार, रोने से मूड अच्छा होता है। एक स्टडी के अनुसार इमोशनल सीन देखने के 20 मिनट के भीतर रोने वाले लोग नए रोने वाले लोगों के मुकाबले जल्दी में बेहतर महसूस करते थे। उनका मूड बहुत जल्दी अच्छा हो गया। नंबर सात, स्वस्थ नाक। रोने के दौरान नाक भी बहने लगती है, जिससे नाक में जमा बैक्टीरिया और गंदगी बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद इंसान खुलकर सांस लेने लगता है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारी इस जानकारी को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।